फतेहाबाद तहसील के मुख्यालय पर आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता पहुंचे। समाधान दिवस के मौके पर अमित गुप्ता ने फरियादियों की शिकायतें सुनी तो वहीं पुरानी शिकायतों को लेकर भी खासा सजग नजर आए। फतेहाबाद तहसील मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे आगरा के कमिश्नर अमित गुप्ता ने पुरानी शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की। असंतोष शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। इस दौरान कुल 24 शिकायतें आईं, जिसमें से एक का भी मौके पर निस्तारण नहीं किया जा सका। इस दौरान एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फतेहाबाद संपूर्ण समाधान दिवस में अचानक आगरा के कमिश्नर अमित गुप्ता पहुंच गए और उन्होंने आते ही पुरानी शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान पिछले संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी ली तथा कुछ शिकायतों पर उन्होंने शिकायतकर्ताओं को फोन भी किया। काफी हद तक शिकायतकर्ता संतुष्ट दिखाई दिए, परंतु कुछ शिकायतकर्ताओं ने असंतुष्टि जाहिर की, जिस पर उन्होंने शिकायत का निस्तारण करने वाले अधिकारियों को कड़ी हिदायत भी दी। इस दौरान कमिश्नर ने ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी जमीन पर किए जा रहे कब्जों के बारे में संज्ञान लेते हुए बताया कि थाना दिवस तथा ब्लॉक दिवस के दौरान ऐसी शिकायतें आने पर संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जिसमें मौजूद पुलिसकर्मियों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के नाम भी लिखे जाएं, जिससे उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। इस दौरान विभिन्न मामलों की 24 शिकायतें आईं, परंतु एक का भी मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। समस्या में किसान सम्मान निधि के बारे में कई बार शिकायत कर चुका हूं और आज तक मेरी शिकायत का कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मैं आज कमिश्नर साहब से भी मिला, उन्होंने भी मुझे कहा है कि आपका निस्तारण किया जाएगा। क्या कहते हैं अधिकारी, आप शिकायतें लगातार आते हो तो? वो लिख के दे देते हैं साहब, भेज देते हैं किसान, वहाँ किसान मिल जाए सक, वहाँ पर एक दुबे नाम का एक बैठते हैं, माने कि साहब अरे आओ ऊपर तक, एक दुबे नाम का है कोई कर्मचारी है, कृषि निदेशक। अच्छा अच्छा, नहीं अभी कमिश्नर साहब आए थे तो आप यहाँ अंदर नहीं जाने को, बार बार शिकायत करने से क्या फ़ायदा है। दिवस में भी हमने शिकायतों को सुना और मुख्य रूप से जो पहले ही शिकायत आई थी उनका मैंने निस्तारण हुआ उसको देखा, शिकायतकर्ताओं से बात की और कई मामलों में शिकायतकर्ता संतुष्ट पाए गए, कुछ मामलों में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं का फीडबैक अवश्य लें और विशेष रूप से जहाँ संयुक्त टीम बनाने की आवश्यकता हो, राजस्व पुलिस की या चाहे ग्राम विकास विभाग और राजस्व की टीम बनानी हो, उसके विषय में अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके और टीम बना के सब समय समस्या का। सर कुछ अधिकारी संपूर्ण समाज में आते नहीं हैं, इनके लिए क्या कुछ जैसे आप डीवीएससी का प्रकरण आपके सामने आया, एक प्रकरण हमारे सामने आया तो उनके डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।